हे हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 यानी शीत युद्ध के दौर का 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई द्वारा 2021 और 2022 के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न वो चेंज कर दिया गया है, यानी इस बार जो नवंबर दिसंबर में दोस्तों एग्ज़ाम होने वाला टर्म 1 का, उसमें केवल और केवल एमसीक्यू पर आधारित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो उसी पर आधारित है, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक देखें, इसे स्किप ना करें। यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो जरूर लाइक कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन दबा देना दोस्तों, ताकि आप सभी तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई। यहाँ दोस्तों नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1949, 1955, 1945 या 1947। तो दोस्तों नाटो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1949, ठीक है। तो नाटो दोस्तों अमेरिका का एक पूरा संगठन था, आप कह सकते हैं सैनिक संगठन। और नाटो की दोस्तों फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से शीत युद्ध की विशेषता क्या थी। यहाँ निम्नलिखित में से शीत युद्ध की विशेषता क्या थी। ऑप्शन ए है दोस्तों, शीत युद्ध में दो शक्तिशाली गुट शामिल थे। ऑप्शन बी, शीत युद्ध सोवियत संघ का वर्चस्व था। ऑप्शन सी, शीत युद्ध के दौरान भारत विश्व में शामिल हो गया था। डी है, शीत युद्ध में शांति की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों इसमें से आपको सही उत्तर पर निशान लगाना, यानी ए दोस्तों, केवल ए, बी, ए और सी दोनों, सी दोस्तों जो है केवल सी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सही विकल्प है वो है शीत युद्ध में दो शक्तिशाली गुट शामिल थे, यानी ए और डी, शीत युद्ध में शांति की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पर शीत युद्ध में शांति की स्थापना की बात इसलिए की गई दोस्तों कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जितनी तबाही मची थी उतनी अधिक मात्रा में तबाही शीत युद्ध के दौरान नहीं मची, इसलिए कहा जाता है कि शीत युद्ध के दौरान शांति की स्थापना की गई थी। तो यानी ए और डी जो ऑप्शन है दोस्तों सही है दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, वारसा पैक्ट की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों वारसा पैक्ट की स्थापना हुई थी 1955 में। जी हाँ, 1955 में वारसा पैक्ट की स्थापना की गई थी। आप सभी को पता है कि नाटो की स्थापना 1949 में की गई और इसी के जवाब में सोवियत संघ के द्वारा वारसा पैक्ट की स्थापना 1955 में की गई थी, क्लियर। चलिए वारसा पैक्ट भी एक सैन्य संगठन था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इनमें से नाटो के देश कौन कौन से हैं। जी हाँ, इनमें से कौन कौन से देश जो है नाटो के हैं। तो पहले नंबर पर दोस्तों अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और भारत। अमेरिका, रूस और जर्मनी। अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस, इटली। अमेरिका, जापान, रूस, भारत और पाकिस्तान। तो दोस्तों इनमें से नाटो के जो सदस्य देश है उसमें जो सही है वो है अमेरिका, जापान, फ्रांस और इटली, यानी इसमें तीसरा विकल्प है दोस्तों वो सही है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों भारत तो किसी भी गुट का सदस्य नहीं था, ना ही नाटो का था, ना ही वारसा पैक्ट का, ठीक है। और पाकिस्तान का भी जो गलत है, यहाँ पर रूस की बात करें तो रूस दोस्तों सोवियत संघ का जब विघटन हो जाता तब रूस की का स्थापना होती है। तो इसका जो सही विकल्प है वह है विकल्प नंबर 3, इसका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, शीत युद्ध का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। तो शीत युद्ध का दोस्तों विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले दोस्तों विश्व का दो गुटों में विभाजन, बिल्कुल ठीक है। सैनिक गठबंधन की राजनीति, बिल्कुल ये भी ठीक है दोस्तों। विश्व का दो गुटों में विभाजन हो गया था, यानी एक तरफ पूंजीवादी गुट और दूसरे दोस्तों साम्यवादी गुट। दूसरा क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों, सैनिक गठबंधन की राजनीति, बिल्कुल सैनिक गठबंधन की राजनीति शुरू हुई। नाटो और सीटों के सेंटरों की स्थापना होने लगी थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति हुई, याद यहाँ ये भी बिल्कुल भी सही है क्योंकि शीत युद्ध के बाद ही गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति हुई थी। और हथियारों में वृद्धि, यानी इसका दोस्तों चारों जो विकल्प है वो सही है, यही शीत युद्ध का विश्व पर प्रभाव पड़ा था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों, वारसा पैक्ट में निम्न में से कौन से देश के जोड़े शामिल हैं या शामिल थे। तो वारसा पैक्ट के दोस्तों समाप्त हो चुका है। तो वारसा पैक्ट में कौन से देश के जोड़े शामिल थे, ए सोवियत संघ, पोलैंड और पूर्वी जर्मनी, बी सोवियत संघ, इटली, अमेरिका, दक्षिणी जर्मनी
या सी सोवियत संघ हंगरी, पूर्वी जर्मनी और ब्रिटेन। तो दोस्तों जो सोवियत संघ था, जो वारसा पैक्ट था, उसमें कौन से देश शामिल थे? तो उसमें यूएसएसआर, सोवियत संघ, पोलैंड और पूर्वी जर्मनी। क्योंकि दोस्तों जो पश्चिमी जर्मनी है वो किसके साथ शामिल थे दोस्तों? नाटो के सदस्य देशों के साथ शामिल थे, यानी ए इसका सही विकल्प है ये वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। दोस्त चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को दोस्तों अगर जरा भी अच्छी लग रही तो उसे लाइक जरूर करें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए, वारसा पैक्ट किस वर्ष समाप्त हुआ? तो दोस्तों जो वारसा पैक्ट हुआ उसकी स्थापना हमने देखा कि 1955 में हुई, और इस वारसा पैक्ट 1991 में समाप्त हो गया, यानी इसका विघटन कर दिया गया था। और वारसा पैक्ट के समाप्त होने के बाद ही दोस्तों जो है शीत युद्ध की समाप्ति भी हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से धुरी राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे? तो धुरी राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे? तो दोस्तों धुरी राष्ट्र इटली, जापान, जर्मनी। तो धुरी राष्ट्र में दोस्तों तीनों देश शामिल थे, यानी उपरोक्त सही इसका उत्तर है। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था वो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें दोस्तों मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी। ठीक है, तो मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी, और इन्हीं मित्र राष्ट्रों में से दोस्तों जो है अमेरिका और सोवियत संघ ऐसे दो देश थे जिन्हें के द्वारा जो है जिनके द्वारा क्या हुआ था दोस्तों? शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन शामिल देश हैं? इटली, जापान, जर्मनी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश मित्र राष्ट्रों के समूह में शामिल थे? तो मित्र राष्ट्रों के समूह में शामिल देश कौन कौन देश थे? ब्रिटेन भी शामिल था, अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में देश में शामिल थे दोस्तों, और रूस भी। तो इसका जो सही विकल्प है उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुआ? तो क्यूबा मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुआ दोस्तों? अक्टूबर 1962, दिसंबर 1962, नवंबर 1962 या फरवरी 1962। तो क्यूबा मिसाइल संकट दोस्तों हुआ था अक्टूबर 1962 में, इसकी शुरुआत हुई थी। और क्यूबा मिसाइल संकट को ही दोस्तों शीत युद्ध का अंतिम परिणति कहा गया। क्या कहा गया है? शीत युद्ध की अंतिम परिणति कहा गया है क्यूबा मिसाइल संकट को। यहाँ से एक प्रश्न और पूछ सकते हो दोस्तों आपका कि क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, सोवियत संघ के नेता कौन था और जो थे, और क्यूबा का नेता कौन था? यहाँ से भी इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा देश गुट निरपेक्ष गुट में शामिल था? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है दोस्तों गुट निरपेक्ष देशों में शामिल था शीत युद्ध के दौरान? ए पोलैंड, बी फ्रांस, सी जापान, डी नाइजीरिया। तो दोस्तों इनमें से कौन सा देश जो है गुट निरपेक्ष देशों में शामिल था? तो सबसे पहले अगर हम दोस्तों पोलैंड की बात करें तो दोस्तों पोलैंड जो था वो साम्यवादी गुट से था। किससे था ये? ये साम्यवादी गुट यानी सोवियत संघ में शामिल था। फ्रांस की अगर बात करें दोस्तों तो फ्रांस जो था वो पूंजीवादी गुट, जी हाँ पूंजीवादी गुट यानी अमेरिकी खेमे में शामिल था ये। जापान की अगर हम बात करें दोस्तों तो जापान था पूंजीवादी गुट, ये भी अमेरिका खेमे में शामिल था। तो दोस्तों बचा कौन सा? नाइजीरिया। तो नाइजीरिया देश जो था दोस्तों वो शामिल था गुट निरपेक्ष खेमे में। तो उसका डी जो विकल्प है दोस्तों वो सही है, यानी नाइजीरिया जो है गुट निरपेक्ष गुटों में शामिल देश था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, तो अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश साम्यवादी गुट में शामिल था? ए श्रीलंका, बी पोलैंड, सी उत्तर कोरिया और डी फ्रांस। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें साम्यवादी गुट में, तो सबसे पहले अगर हम बात करें श्रीलंका, तो श्रीलंका दोस्त किस में शामिल था? वो था गुट निरपेक्षता में शामिल। पोलैंड की बात करें तो पोलैंड को हमने बता दिया आपको सोवियत संघ में शामिल था। उत्तर कोरिया दोस्तों, तो उत्तर कोरिया किससे संबंधित था? ये था साम्यवादी गुट में शामिल। और फ्रांस की अगर बात करें दोस्तों तो फ्रांस किसे था? पूंजीवादी गुट। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से देश जो है साम्यवादी गुट में शामिल हैं? तो सबसे पहले पोलैंड और उत्तर कोरिया, यानी बी और जो सी है दोस्तों वो दोनों जो हैं साम्यवादी गुट में शामिल हैं। फ्रांस जो शामिल था दोस्तों वो किस में शामिल था? तो फ्रांस पूंजीवादी गुट में शामिल था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों स्वेज नहर जो है मिस्र में स्थित है, और स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1956 में, और किसने किया था? गमाल अब्दुल नासिर, जी हाँ गमाल अब्दुल नासिर द्वारा
जो है स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। गमाल अब्दुल नासिर उन 5 नेताओं में से एक हैं जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ? तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था दोस्तों 1961 में। कहाँ पर हुआ था? बेलग्रेड। जी हाँ, बेलग्रेड में हुआ था 1961 में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन। आप सभी को पता कि गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो प्रमुख 5 नेता थे उसमें कौन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत से, है ना, यूगोस्लाविया से, जोसेफ ब्राज टीटो गाना के वाने ग्रोमा, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर। ठीक है, इस तरह से 5 जो प्रमुख नेता थे उन्होंने मिलकर एक गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, इसी तरह फिदेल कास्ट्रो थे, ये क्या थे दोस्तों? ये क्यूबा के थे। और निकिता क्रुशियव कौन थे दोस्तों? वो थे सोवियत संघ के। कौन थे सोवियत संघ के? निकिता क्रुशियव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या कहलाता है? तो शीत युद्ध का चरम बिंदु कहलाता है दोस्तों क्यूबा मिसाइल संकट 1962। इसे शीत युद्ध की अंतिम प्रणति के नाम से जाना जाता है। अफगान संकट दोस्तों, ये आप कह सकते हैं एक प्रकार से सोवियत संघ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रहा था। इसी संकट के बाद सोवियत संघ जो है विघटन के कागार पर पहुंचना स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के किन 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया? तो अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया, तो उनका नाम है हिरोशिमा और नागासाकी। अगर हिरोशिमा की बात करें दोस्तों, तो हिरोशिमा पर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था। और नागासाकी की बात करें तो नागासाकी पर दोस्तों 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका द्वारा। और इसी के बाद दोस्तों सेकंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति भी हो गई थी। तो प्रश्न पूछा जाता है तो यहाँ से आंसर भी लिख देंगे आप। अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का गुप्त नाम क्या था? तो अमेरिका द्वारा जो हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था तो उसको दोस्तों अमेरिका ने उसको 2 गुप्त नाम रखे थे और दोनों के नाम अलग अलग थे। तो जो हिरोशिमा पर जो पहला बम गिराया गया था उस बम का गुप्त नाम क्या था? तो उस बम का गुप्त नाम क्या था दोस्तों? लिटिल बॉय। जी हाँ, लिटिल बॉय गुप्त बम का गुप्त नाम था जो 6 अगस्त 1945 को जापान पर गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न। 9 अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया? तो 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के जो है नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। और इस परमाणु बम का नाम क्या था दोस्तों? फैट बॉय। ठीक है, या फैट मैन के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, अगला। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दिदान शब्द का प्रयोग किन 2 देशों के बीच किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दिदान शब्द का प्रयोग दोस्तों जो किया जाता है वो किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, यानी अमेरिका और USSR के बीच इस शब्द का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पहली बार किया है। और दिदांत शब्द का उपयोग जो होता है उसका अर्थ क्या होता है? तनाव शैथिल्य, यानी तनाव में कमी होना। चलिए अगला प्रश्न। नाटो को किस एक और नाम से जाना जाता है? तो नाटो को दोस्तों पश्चिमी गठबंधन के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी तरह दोस्तों वारसा पैक्ट को भी पूर्वी गठबंधन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अमेरिका द्वारा सीटो की स्थापना कब की गई? दोस्तों अमेरिका के द्वारा सीटो की स्थापना की गई थी 1954 में। जी हाँ, 1954 में सीटो की स्थापना अमेरिका के द्वारा की गई थी। तो अगर हम सीटो की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म भी पूछता था तो दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन, क्या कहा जाता है इसको? दक्षिण पूर्व एशियाई, ठीक है, संधि संगठन जो है सीटो का फुल फॉर्म है दोस्तों ये। चलिए नेक्स्ट। शीत युद्ध के दौरान कोरियाई संकट कब उत्पन्न हुआ? तो शीत युद्ध के दौरान दोस्तों जो कोरियाई संकट उत्पन्न हुआ था 25 जून 1950, या 25 जून 1955, 25 जून 1960, 25 जून 1970। तो शीत युद्ध के दौरान कोरियाई संकट दोस्तों 25 जून 1950 को उत्पन्न हुआ था। और कोरिया का 2 भागों में विभाजन, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में इसका विभाजन हो गया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? तो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों 1939 से 1945 के बीच। इसी तरह दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पूछा जाता है, तो प्रथम युद्ध जो हुआ था विश्व युद्ध वो हुआ था 1914 से 1918 तक। चलिए अगला प्रश्न है, दूसरा विश्व युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो दूसरा विश्व युद्ध दोस्तों जो हुआ था वो था मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच, जिसमें मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है, अमेरिका द्वारा जापान के जिन दो शहरों पर परमाणु आक्रमण किए गए थे उस परमाणु बम की क्षमता कितनी थी? तो परमाणु बम की जो क्षमता थी दोस्तों 10 से 20 टन, 51 से 55 टन, 15 से 22 टन और 15 से 21 टन। तो जो सही उत्तर है वह है 15 से 21 टन। अमेरिका ने जापान के जिन दो शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे उस परमाणु बम की क्षमता थी 15 से 21 टन। अगला प्रश्न है, सेंटो को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों सेंटो को पहले नाम दिया गया था बगदाद पैक्ट या बगदाद संधि। जी हाँ, बगदाद पैक्ट या बगदाद संधि के नाम से इसे जाना जाता है सेंटो को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, नाटो में शामिल देशों की संख्या कितनी थी? दोस्तों जब नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में, तो इस समय इसमें 12 देश शामिल थे। नाटो की अगुवाई कौन कर रहा था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता था। तो नाटो की जो अगुवाई कर रहा था दोस्तों वह था संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, अमेरिका द्वारा क्यूबा में बे ऑफ पिक्स आक्रमण कब किया गया? तो अमेरिका द्वारा क्यूबा में बे ऑफ पिक्स पर आक्रमण किया गया था 1961 में दोस्तों, 1961 में। इसके बाद 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट भी हो गया था, क्योंकि जो है सोवियत संघ लगातार अमेरिका से असमंजस में था कि अमेरिका कभी भी क्यूबा पर क्या कर सकता है, आक्रमण कर सकता है या उसे कब्जा कर सकता है। शीत युद्ध कब समाप्त हुआ? तो दोस्तों शीत युद्ध समाप्त कब हुआ? सोवियत संघ के विघटन के बाद, सोवियत संघ के विघटन से पहले, अमेरिका द्वारा जापान पर आक्रमण के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो शीत युद्ध का जो विघटन हुआ था दोस्तों, समाप्ति भी हुआ था शीत युद्ध की, सोवियत संघ के विघटन के बाद हुआ था शीत युद्ध की समाप्ति। अगला प्रश्न, गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति कब बने? तो गोर्बाचेव दोस्तों सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे 1985 में, और इसी के बाद ही इन्होंने दो नीति चलाई थी जिसका नाम था पेस्त्राइका और ग्लासनोस्त। अगला प्रश्न है, ग्लासनोस्त और पेस्त्राइका ये दोनों नीतियाँ किस नेता के द्वारा शुरू की गई? तो दोस्तों उसका उत्तर है गोर्बाचेव द्वारा, और इसी के बाद सोवियत संघ का विघटन भी इनके कारणों में से एक माना जाता है कि गोर्बाचेव की नीतियों ने ही सोवियत संघ का विघटन कर दिया। चलिए, जर्मनी का एकीकरण कब किया गया? तो जर्मनी का दोस्तों जो एकीकरण हुआ था वो हुआ था 1990 में। अगला प्रश्न है, 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी करके जर्मनी को किन दो भागों में बांट दिया गया? तो 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी करके दोस्तों जर्मनी को जिन दो भागों में बांटा गया, तो उसके भाग थे वो थे पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, यानी सी इसका सही उत्तर दोस्तों। ठीक है, चलिए, जो पूर्वी जर्मनी थी दोस्तों वो सोवियत संघ के खेमे में शामिल था, और जो पश्चिमी जर्मनी वो दोस्तों पूंजीवादी यानी अमेरिका के खेमे में। अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? तो दोस्तों बर्लिन की दीवार गिराई गई थी 9 नवंबर 1989 को, और इसी बर्लिन की दीवार गिरने के बाद ही दोस्तों आप कह सकते हैं कि तरह के सोवियत संघ विघटन का जो वो नीति थी पूरी तरह से लागू कर दी गई, या आप कह सकते हैं कि सोवियत संघ के जो समाप्ति का जो आगमन स्टार्ट हो चुका था दोस्तों। अगला प्रश्न, वियतनाम का विभाजन किस समांतर रेखा द्वारा किया गया है? तो वियतनाम का जो विभाजन है दोस्तों वो 17वीं समानांतर रेखा के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कुल कितने सदस्य देश शामिल हुए थे? तो पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में दोस्तों जो सदस्य देश की संख्या थी वो थी 25, और वर्तमान की अगर बात करें तो 120 सदस्य हैं और 17 जो हैं पर्यवेक्षक इसके देश हैं। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कुल कितने सदस्य हैं? 120 सदस्य हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? तो वर्ष 2020 में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो अजरबैजान की राजधानी बाकू में किया गया, और ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन का दोस्तों पहला वर्चुअल सम्मेलन, यानी विश्व इतिहास में अभी तक ये पहला वर्चुअल सम्मेलन किया गया था गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का, जब से इसकी स्थापना की गई। ठीक है, इसमें भारत के प्रधानमंत्री ने पहली बार जो है शिरकत किया था नरेंद्र मोदी द्वारा, पहले यानी 2012 के बाद 16 में उन्होंने शिरकत नहीं किया था। ठीक है, भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया है? तो भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का जो सम्मेलन था दोस्तों 1983 में किया गया था,
और इस समय जो थी भारत के प्रधानमंत्री वो थी इंदिरा गांधी, यानी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत में शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था वर्ष 1983 में। ठीक है, अंकटाड द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की गई? दोस्तों अंकटाड द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी 1972 में। ठीक है, अंकटाड दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है। ठीक है, जो विकसित और विकासशील दे अगर हम विकासशील देशों की बात करें तो विकासशील देशों के बाजार व्यवस्था में उसकी स्थिति को सुधारने के लिए, उनकी स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए काम करता है। अगला प्रश्न, अंकटाड की स्थापना कब की गई? तो अंकटाड की स्थापना की गई थी दोस्तों 1964 में, और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वह हैग में। दोस्तों ये रहे आज के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू इस चैप्टर के। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों इसे ज़रूर लाइक कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर इस चैप्टर से संबंधित किसी भी प्रश्न में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना दोस्तों, इसका उत्तर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।